जब इनके डीके शिवकुमार को या सोनिया गांधी को या राहुल गांधी को जब कोई तकलीफ होती है तो तब जमीन पे ये प्रोटेस्ट करते हैं। सही तौर पर अगर अपोजिशन का रोल अगर कोई निभा रहा है तो वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ही है। कब बीजेपी को सपोर्ट करती है, कब अपोज करती है, खुद देवगढ़ा साहब को नहीं मालूम, खुद कुमार स्वामी को नहीं मालूम। आप तारीफ करते हैं कि सही में ये लोग ग्राउंड पे उतर के काम करते हैं, लेकिन हमें और आपका सपोर्ट चाहिए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा के जानिब से एक तारीखी प्रोग्राम अवामी इख्तदार कॉन्फ्रेंस के नाम से 29 जुलाई को बरोज़ जुम्मा ठीक शाम 7 बजे तारीखी मैदान हफ्त गुम्बज नेशनल कॉलेज ग्राउंड में रखा गया है। तमाम गुलबर्गा के लोगों से तहे दिल से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो प्रोग्राम को आकर उसको सक्सेसफुल करें। प्रोग्राम का मकसद यही है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक में एक अल्टरनेट पॉलिटिकल पार्टी होने जा रही है। इसके लिए अवाम का बहुत हमें सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हम ज़मीनी सतह पे देखते हैं आज बीजेपी को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, इनको सही तौर पर अगर अपोजिशन का रोल अगर कोई निभा रहा है तो वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ही है। ज़मीनी सतह पर जब जब, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो, जब भी इनके एंटी पीपल पॉलिसीज़ आते हैं, तब भी जब भी आवाम का जब मसला आता है, ज़मीनी सतह पर उतरने वाली सिर्फ वाहिद पॉलिटिकल पार्टी वो SDPI है। जब हम ज़मीनी सतह पर लोगों के लिए जब काम कर सकते हैं, लोगों के लिए एक अपोजिशन पार्टी बन सकते हैं, तो क्यों हम विधानसभा में जाकर एक अल्टरनेट पार्टी क्यों नहीं बन सकते, वो एक सवाल हम गुलबर्गा की जनता से और पूरी कर्नाटक की जनता से हम रखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को कहते हैं कि अभी ये नई नई पार्टी है, अभी इसको टाइम लगना चाहिए, ये ऐसा कहकर हमें सेकेंडरी और टर्शरी पार्टी कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे 13 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, Day 1 से सही तौर पर अपोजिशन का रोल सिर्फ हम लोगों ने किया। आज आप कांग्रेस को देखिए, JDS को देखिए, ये लोग कब आवाम पे ज़मीनी सतह पे कब उतरते हैं, जब इनके प्रेसिडेंट को, तब जब इनके DK शिवकुमार को या सोनिया गांधी को या राहुल गांधी को जब कोई तकलीफ होती है तो तब ज़मीन पे ये प्रोटेस्ट करते हैं, घेराव करते हैं, चीख पुकार करते हैं। जब अवाम की जब तकलीफ होती है तो ये खामोश होते हैं। ये इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का काम ये है। JDS एक अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है बोलकर उसी को मालूम नहीं है। कब बीजेपी को सपोर्ट करती है, कब अपोज करती है, खुद देवगढ़ा साहब को नहीं मालूम, खुद कुमार स्वामी को नहीं मालूम। हम बीफ के इश्यू में देखे हैं, कौस लेटर का जब बिल आया था, अपर हाउस में JDS ही पार्टी जो थी उसको सपोर्ट करने की वजह से आज 2 साल से बकरीद के ऊपर जितना इश्यूज आ रहे हैं आप सबको मालूम है, JDS के पार्टी की वजह से ही वो सपोर्ट करने की वजह से जारी हुआ था। इसके अलावा कितने, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन हुआ है मुर्मू साहिबा को, इनको भी JDS पार्टी ने वोट किया है। तो कौन अपोजिशन है, कौन रूलिंग है, ये जो नाम लेवा सेकुलर पार्टीज है सब लोगों के सामने आया है। जो ज़मीनी सतह पे अवाम के लिए जो रियल अल्टरनेट जो काम कर रहे हैं वो SDPI है। ये कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि हम एक अल्टरनेट तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी को हम पेश करना चाहते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अवाम को इसको कबूल करें। हम आप तारीफ करते हैं कि सही में ये लोग ग्राउंड पर उतर के काम करते हैं, लेकिन हमें और आपका सपोर्ट चाहिए, हमें और आपका ताउन चाहिए। और हमारे जो बड़े बड़े जो लीडर्स आ रहे हैं, जो नेशनल के स्टेट के लीडर्स आ रहे हैं, उनको भी आप सुनना है। नेशनल के हमारे अशोक यादव साहब है जो महाराष्ट्र के बड़े बड़े लीडर हैं, वो हमारे प्रोग्राम को आ रहे हैं। अब्दुल हन्नान साहब जो नेशनल वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, जो एक्स स्टेट प्रेसिडेंट थे कर्नाटक के, वो आ रहे हैं। और साबिखा जो अब्दुल मजीद साहब जो मैसूरी हैं, जो लास्ट टाइम सेकेंड पोजीशन पे आए थे मैसूर MLA इलेक्शन में, सिर्फ कुछ 4000 वोट से जो हारे थे, अब इस बार स्टेट प्रेसिडेंट है, वो भी गुलबर्गा शरीफ आ रहे हैं। हमारे जो फायर ब्रांड जो दलित लीडर हैं भास्कर प्रसाद साहब, वो भी गुलबर्गा तशरीफ ला रहे हैं। इनके अलावा बहुत सारे हमारे स्टेट के लीडर्स आ रहे हैं, साथ साथ दूसरे जो सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, उनको भी हम लोगों ने मधु किया है। एक हमारे स्वामी जी हैं लिंगायत के, उन्हों भी आ रहे हैं। तो मुख्तलिफ़ एक रेंज ऑफ आपको स्पीचेस मिलने का एक मौका मिलेगा। कर्नाटक में, देश में और गुलबर्गा में क्या चल रहा है वो भी लोगों को मालूम होने के इम्कानात आपको नॉलेज मिलेगा। तो तमाम आवाम को मैं और एक मरतबा रिक्वेस्ट करता हूं कि 29 जुलाई को ठीक 7 बजे
तारीखी मैदान नेशनल कॉलेज ग्राउंड में हमारा प्रोग्राम रखा गया है। मैं सभी से और एक मरतबा रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी लोग आकर ये प्रोग्राम को सक्सेस करें। शुक्रिया।